that none of the following is a polynomial. यानी कि हमें दिखाना है कि इनमें से कोई भी none of the following is a polynomial, कोई भी polynomial नहीं है. First में हम लोग ये देखते हैं कि इसका वैल्यू को सॉल्व किया जाए तो ये x प्लस 1 बाई एक्स है और हम लोग 1 बाई एक्स को लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 1. ध्यान दो, यहाँ पर जो x है इस पर यह जो पावर माइनस 1 आया है ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और इसलिए हमारा ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल डिफाइन नहीं होगा. अगर इसको सॉल्व किया जाए तो अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1 बाई टू माइनस 3. यहाँ भी ध्यान दिया जाए ये जो पावर है वो इंटीजर है ही नहीं बल्कि फ्रैक्शन है, जबकि नियम के अनुसार एक्स का जो भी पावर या डिग्री होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो इसके वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं. हमने यहाँ पे क्या देखा, एक्स का जितना भी पावर यहाँ पर है वो टोटल का टोटल पावर पॉजिटिव इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ध्यान दें एक्स का जो कोएफिशिएंट यहाँ पर लिया गया है तो ये एक्स का कोएफिशिएंट रियल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये जो कोएफिशिएंट के बारे में बात आता है जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर होने चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट रियल नंबर नहीं है इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा. अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स, और इसको जब आगे सॉल्व किया जाएगा तो आगे सॉल्व हो करके जब डिवाइड हम लोग देंगे तो ये एक्स इसमें डिवाइड देगा ये एक्स बनेगा माइनस, जब ये एक्स इसमें डिवाइड देगा तो माइनस 4, और जब ये एक्स 3 में डिवाइड देगा तो बन जाएगा 3 बाई एक्स. ध्यान दिया जाए ये एक्स डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1. तो क्योंकि एक्स पर पावर यहाँ पर क्या आ गया माइनस 1 जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी जो दिया गया एक्सप्रेशन था ये भी इंटीजर नहीं होगा. प्लस 4 है, हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 टू द पावर माइनस 1. ध्यान दें यहाँ पर ये जो एक्स प्लस 4 है इस पर ओवरऑल पावर क्या है माइनस 1, जो कि एक निगेटिव इंटीजर है, यही कारण है ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो इस प्रकार जो पॉलिनोमियल का डिफिनीशन है हम उसके आधार पर इसे बढ़िया से डिफाइन कर सकते हैं.